समेत जाकिर नायक के चलाए जा रहे पीस टीवी पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। और आलोक आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाके पाए गए हैं जो बॉर्डर के पास हैं जिनमें ये सांप्रदायिकता फैलाने वाले चैनल देखे जाते हैं चोरी छुपे। जी देखिए, जो बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है जी, और पाकिस्तान से जो बॉर्डर एरिया इंडिया का होता है जी, उन एरिया में ज्यादातर ये पीस टीवी और क्यू टीवी देखे जाते हैं। तो आज सरकार का ये फैसला आया है, सरकार ने ये पहल की है कि इन सभी चैनलों को इंडिया में अब बैन किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, तो सरकार चाहती तो किसी और चैनल का नाम भी बीच में लिया जा सकता है या किसी और शख्स का नाम भी बीच में लिया जा सकता था, पर खास करके यहाँ पर नाम सामने आया है जाकिर नायक के पीस टीवी का, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुदर्शन न्यूज की जो मुहिम चलाई गई थी जाकिर का पर्दाफाश, उसका सीधा असर देखने को मिला है। अब सरकार की भी आंखें खुली हैं और ये स्टेप सरकार उठाने लगी है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पीस टीवी है ये बहुत पहले से चल रहा है जी, ये तकरीबन 6-7 सालों से ये पीस टीवी जो है जाकिर नायक का जो पीस टीवी है वो चल रहा है। तो लोग जो है इससे नाराज जरूर थे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था लोगों को, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, और सुदर्शन न्यूज ने वही प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है अपने मुहिम के द्वारा। और आज जो है आज उस मुहिम का जो है फैसला मिल गया और आज जो है सरकार जो है जाकिर नायक के टीवी चैनलों को बैन करने का मूड सरकार ने बना लिया है। जी जी बिल्कुल आलोक, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ रमेश जी मौजूद हैं जो कि हिंदू जनजागृति राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू जनजागृति समिति के मुंबई से। और रमेश जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी मुंबई में विरोध किया था जाकिर नायक का, और आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इस पर सरकार की जो है, सरकार का भी एक बयान आया है कि वो अब पीस टीवी को बैन करने जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा सुदर्शन को, जिन्होंने यह मुहिम चलाया बहुत दिनों तक, और जाकिर नायक की जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने लाई है। लेकिन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब पीस टीवी अगर वो बैन कर रहे हैं, उसका जो कहना है, मतलब वो जो अपने चैनल के माध्यम से जो लोगों तक भड़काऊ चाहे करके लोगों में असांप्रदायिकता या सांप्रदायिक विचारों को फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो जैसे पीस टीवी बंद हो रहा है वैसे जल्दी ही जाकिर नाइक को भी बंद किया जाए, और हमारी ये मांग रहेगी कि ये जल्दी से जल्द होना चाहिए। जी बिल्कुल रमेश जी, तो कहीं ना कहीं ये जीत है हिंदू जनजागृति समिति की भी, जो मोर्चा आपने खोला था उसका असर अब देखने को मिला है, और सांप्रदायिकता फैलाने वालों का अब अंत होने लगा है, ऐसा आपको नहीं प्रतीत हो रहा? जी देखिए, अभी तो ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ये तो शुरुआत करी है अभी, और इसके अंदर आज तो उनका पीस टीवी के ऊपर उन्होंने पाबंदी की बात लगाई है जी। लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे जाकिर नाइक का हमारे प्रदर्शन के कारण उसका मुबरा का कार्यक्रम वहां पर रद्द हो गया जी। तो अभी तो ये प्रदर्शन तो और बढ़ते जाएंगे, जाकिर नाइक को जब तक अरेस्ट नहीं होती है जी, और वो जब तक लोगों से माफी नहीं मांगते तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ बने रहने के लिए। वापस आएंगे आलोक आपके पास, आपने कहा था कि 6-7 साल से पीस टीवी जो है चल रहा है, पर अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई थी। जब सुदर्शन न्यूज ने ये मुहिम चलाई तब जाके ये कार्रवाई सामने आई है, और सड़क पर आंदोलन करने के बाद सरकार का भी ये बयान आ गया है। इन्होंने 24 चैनल्स की लिस्ट जारी की है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, जो कि सांप्रदायिकता फैलाते हैं, और अब उनपे कहीं ना कहीं बैन करने जा रही है सरकार। जी जी, मैंने पहले भी बताया कि 6-7 सालों से जाकिर नायक का ये पीस टीवी चल रहा था इंडिया में, और मैं बता दूं आपको कि जब सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है, सच जब खुलता है, सच को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो फिर वो अपना काम खुद ही कर देती है, और यही काम किया सुदर्शन न्यूज ने। जो हमारी 6 दिन की मुहिम चली थी जाकिर का पर्दाफाश, उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि आज जो है सरकार ने जाकिर के चैनलों को उस लिस्ट में लिया है जिस लिस्ट में आईबी और जितने भी जांच के दायरे में उन्हें रखेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ बने रहने के लिए। और अब चलते हैं शशि रंजन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। शशि, 24 चैनल्स की लिस्ट तैयार की है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, क्या आप बता पाएंगे कि कौन से चैनल्स हैं? और देखिए, सबसे पहला तो मैं ये बता दूं कि जो सुदर्शन टीवी का मुहिम था जाकिर का पर्दाफाश, उस विषय पर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कहीं ना कहीं अपने नजर को रखी हुई थी कि आखिर कौन कौन से वो चैनल हैं जो
विवादास्पद हैं, कौन से ऐसे चैनल